ऑल राइट, सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स इजी ऑफिशियल। यार एक बात बताओ, वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो कर दो सब्सक्राइब, इट्स फ्री वैसे भी। और आप वेरी हैप्पी दिवाली इन एडवांस। आई नो थोड़ा सा पहले हो गया, बट यू नो प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम थोड़ा पहले स्टार्ट कर रहे हैं ना। दिवाली को कहते हैं फेस्टिवल ऑफ लाइट, सो आई थॉट व्हाई नॉट टू स्टार्ट दिस सीरीज विद अ दिया डेकोरेशन। सो कुछ ओल्ड दिया मैंने यहाँ पर लिए हैं, आप न्यू ओल्ड जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप ले सकते। कैसे काले काले से दिख रहे हैं, तो आई थॉट इनको एक मेकओवर देना बनता है जहां हम पूरे घर की सफाई कर रहे हैं ना। सबसे पहले ना इनको अच्छे से पानी में सोक कर लेना, लाइक हाफ एन आवर और वन आवर। उसके बाद अच्छे से सन ड्राई होने देना कि पूरा मॉइस्चर उसका चला जाए। उसके बाद जेसो का कोट अप्लाई करना है ना। जेसो अगर नहीं है, स्किप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि आप ये करो, बिकॉज इससे क्या होता है ना, पेंट अच्छे से स्टिक होता है, अच्छा टेक्सचर मिल जाता है, और काफी क्योंकि व्हाइट बेस हो जाता है तो पेंट काफी पॉप आउट भी होता है हमारा। नाउ ये अप्लाई करने के बाद अच्छे से इसको ड्राई होने देना, सूखने देना। उसके बाद ना मैं यहाँ पर कुछ रियल लाइफ इंस्पिरेशंस से इंस्पायर होकर ये दिया एक्चुअली डेकोरेट कर रही हूँ, सारे दिए। सो फेस्टिवल का मतलब सबसे पहले मेरे लिए तो है ब्राइटनेस, फुल ऑफ कलर्स, जॉय, हैप्पीनेस। सो उसी से इंस्पायर होकर ये दो सेटअप दिया मैंने प्रिपेयर किए हैं यहाँ पर। एक तो फेस्टिवल कॉलिंग मैंने जिसको नाम दिया है, जिसमें रेड, पिंक, ब्लू और ग्रीन, इस तरीके के कलर्स मैंने बेस में यूज किए हैं। इसके ऊपर फिर मैंने ड्रॉ किया है व्हाइट एक्रेलिक कलर से। एंड दूसरा, अगेन फेस्टिवल है, हम खाने को कैसे स्किप कर सकते हैं। नाउ आई एम अ फूडी, सो मेरे लिए स्वीट्स जो है वो काफी मैटर करता है। सो उसी से इंस्पायर होकर ये दूसरा दिया जो है वो मैं प्रिपेयर कर रही हूँ। नाउ मैंने इसे नाम दिया है कपकेक इंस्पिरेशन। स्वीट टूथ है मेरा, सो आई रियली लाइक कि ऐसा भी कुछ हम करें, और ये काफी अच्छा लग रहा है, ऐसे कितना प्यारा लग रहा है। नाउ इसके बाद ये ना जब ड्राई हो जाएगा अच्छे से, उसके बाद हमें इसमें वार्निश अप्लाई करना है। नाउ आई वुड सजेस्ट यहाँ पर ना कि एक्रेलिक कलर आपने आज किया है उसको छोड़ दीजिए आप एक दिन 24 आवर्स, नेक्स्ट डे आप इसमें वार्निश करिए ना। वार्निश करने से ना पेंट आपका चिप ऑफ नहीं होगा और काफी अच्छे से स्टे करेगा ये। नाउ नेक्स्ट इज बींग अ फीमेल, ज्वेलरी को लेकर जो हमारा प्यार होता है उसे तो हम बिल्कुल भी हाइड नहीं कर सकते। सो बस उसी को इंस्पिरेशन लेकर ये मैंने एक ज्वेलरी बेस दिया बनाया है। और यहाँ पर ये छोटे छोटे जो स्टोन्स हैं ये इजीली अवेलेबल होंगे आपके नियरेस्ट जो भी स्टोर्स हैं वहां पर, वो लेके मैंने एक लेयर जो पर्ल बेस है उससे किया है, देन फिर रेड कलर का स्टोन है, देन फिर पर्ल का है, देन फिर ग्रीन कलर का स्टोन है। नाउ फ्रंट और बैक दोनों ही अच्छे से हम उससे कवर कर लेंगे ना। कमिंग फ्रॉम कुमाऊनी फैमिली, कमिंग फ्रॉम उत्तराखंड, हमारे यहाँ ना ऐपण का बहुत इंपॉर्टेंस है। जब कुछ अच्छा काम होता है, तीज त्योहार है, शादी वगैरह होती है घर पर, सो उसी से इंस्पायर होकर मैं ये ऐपण बेस्ड कुछ दिए डेकोरेट कर रही हूँ ना। उसके लिए ऑयल पेंट मैंने यूज किया है, तो पहले बेस कलर रेड कर लिया है, उसके ऊपर व्हाइट से अब मैं इसे कर रही हूँ पेंट को ना। ये ना टाइम लेगा आपका, सो इसको थोड़ा सा टाइम लेकर आप प्रिपेयर करना इफ यू आर डूइंग दैट। नाउ इसमें अगेन डिजाइन आपके चॉइस के होंगे कि कैसे आपको कौन कौन से डिजाइन देने हैं, कैसे बनाना है। रेफरेंस के लिए ये कुछ इमेजेस आप अभी यहाँ पर देख ही रहे हैं। एंड हाँ, अगर मेहंदी वगैरह में इंटरेस्ट है तो उसके भी कुछ डिजाइन आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, वो भी काफी अच्छा लगता है। नाउ इसमें वॉर्निश वगैरह करने की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हाई ग्लॉस एनेमल पेंट है। नाउ नेक्स्ट इज यू नो, अगर आप लाउड नहीं जाना चाहते हो, सो दैट्स ऑल्सो कम्प्लीटली फाइन इन फेस्टिवल्स। इसीलिए सिंप्लिसिटी इंस्पिरेशन लेकर मैंने ये दिए जो है वो डेकोरेट किए हैं। नाउ इसमें कुछ ज्यादा नहीं किया, सिर्फ व्हाइट एक्रेलिक कलर से मैंने उसको पेंट कर दिया है और कितना सुंदर लग रहा है सी। नाउ ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ जिनसे भी आप चाहते हो कि वो इसे ट्राई करें, एंड डू